दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे तो ये वीडियो हो रहा है सुबह से ही स्टार्ट तो सबसे पहले जो हॉट वाटर है वो मैं आराम से बैठकर पीती हूँ सुबह के टाइम सबसे पहले यहाँ पर गुनगुना पानी है वो मैं डेली के डेली एक ग्लास बनाकर आराम से जो खुद के लिए थोड़ा सा समय निकाल कर पी लेती हूँ तो ये जो सुबह का टाइम है मेरे लिए सुकून भरा होता है थोड़ा सा मैं खुद के लिए जो समय देती हूँ बीस पच्चीस मिनट क्योंकि फिर तो जो पूरे दिन घर का काम है वो चल नहीं वाला है लेकिन सबसे पहले जो थोड़ा सा केयर खुद के लिए भी करनी ही चाहिए तो डेली के डेली जो हॉट वाटर है वो मैं पी लेती उसके बाद आधे घंटे या फिर चालीस मिनट के बाद ही जो मेरा चाय नाश्ता है वो होता है तब तक छोटा मोटा जो घर का काम होता है वो मैं कर लेती हूँ तो आज तो मैं जो ये सारी वेफर्स है जो कल रात को मैंने बनाई थी तो पूरी तरीके से सूख गई है लेकिन इसको धूप दिखाना ज़रूरी वरना फिर जो ख़राब हो जाती है तो सारी वेफर्स को मैं इकट्ठा कर रही हूँ वैसे तो सुबह के टाइम बनाते हैं तो फिर फटाफट से जो सीधा धूप में डाल देते तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है धूप में सुखाने की लेकिन मैंने कल रात को बनाई थी तो इसको आज धूप दिखाना ज़रूरी वरना फिर जो सारी वेफर्स है वो खराब हो जाती है। इसको मैं पूरे जो साल जो चलाऊंगी स्टोर कर कर रखूंगी तो सारी वेफर्स इकट्ठा कर रही हूँ थोड़ी सी मेरे बेडरूम में मैंने बिछाई हुई है थोड़ी सी मेरे बेटे के रूम में तो सारे वेफर्स को मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिया आ गई हूँ छत के तो छत पर अच्छी खासी धूप आती है तो बस सारे वेफर्स को ऐसे मैं फैला दूंगी शाम के टाइम जब धूप चली जाएगी तब सारी वेफर्स को ले लूँगी और साइड में थोड़ा सा कुछ वजन रख देती हूँ ताकि जो सारी वेफर्स इकट्ठा ना हो जाए तो अब चलते हैं घर के अंदर जो काम करना है घर का तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी मोगरा बहुत ही अच्छे अच्छे मोगरा इसके अंदर आए क्योंकि आजकल गर्मी की सीजन है तो गर्मी में बहुत ज़्यादा जो मोगरा होता है तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे फूल यहाँ पर मोगरे के बहुत सारे आए हुए हैं और जो कपड़े हैं वो भी मैंने वॉश कर ली ये जो यहाँ पर पड़े हुए हैं जो मैंने वेफर्स बनाए थे इसको मुझे धुलना है तो मैं हाथ से ही वॉश करूँगी तो कपड़े सूख जाएंगे इसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी तो अभी आ गई हूँ घर के अंदर सबसे पहले जो मेरे बेटे का रूम है वहाँ से जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग की तो ये बेड है वो मैं बना दूंगी आज चादर यहाँ पर चेंज करनी तो सबसे पहले यहाँ पर बेड को अच्छे से झाड़ लेती हूँ इसके बाद ही मैं यहाँ पर चादर है वो चेंज करूँगी तो वीक में दो बार इसी तरीके से मैं चादर को चेंज कर लेती हूँ तो सुबह सुबह जो मेरा चाय नाश्ता हो जाता है इसके बाद फटाफट से सीधे मैं काम में ही लग जाती हूँ बैठती बिल्कुल भी, भी नहीं फिर क्या होता है कि आलस आ जाती है तो फ्रेश मन से जो सारा घर का काम है वो मैं करती हूँ काम तो हमें ही करना होता है फिर क्यों आलस करना अगर जो बैठ जाते हैं तो फिर थोड़ी से आलस आती इससे अच्छा है कि सारा काम पहले सारा निपटा लेते उसके बाद आराम से बैठते तो सारा काम निपटाने के बाद ही मैं बैठती हूँ तब तक जो फटाफट से काम है उसी को मैं निपटाने में लग जाती हूँ तो मेरे बेटे का यहाँ पर जो बेड है वो भी अच्छी तरीके से पूरा सेट हो गया है क्लीन हो गया इसके बाद बारी आती है ड्रेसिंग टेबल के पास जो सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती सबसे पहले इसको मैं अरेंज कर रही हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगरबत्ती रखी हुई क्योंकि रात के टाइम कभी कभार हम छत पर बैठते तो बहुत सारे मच्छर होते तो यहाँ पर बाहर ही ये पैकेट पड़ा है तो इसको मैं अंदर की तरफ रख देती हूँ इसके बाद बारी आती है यहाँ पर पूरे में डस्टिंग करने की तो कपड़े से मिरर को साफ़ किया लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर मुझे निशान दिख रहा है तो बस पानी से जो छींटे थोड़े मैं ऊपर डाल दूंगी इसके बाद क्लीन करूंगी तो आसानी से जो पूरा मिरर अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा साफ़ हो जाएगा तो इसको भी इसी तरीके से मैं कभी कभी क्लीन कर लेती हूँ तो यहाँ पर मिरर है वो भी अच्छी तरीके से पूरा क्लीन हो गया है तो आज मैं इसी तरीके से क्लीनिंग कर रही हूँ सबसे पहले ये वाला कमरा अच्छे से पूरा सेट कर लूँगी इसके बाद बेडरूम करूँगी तो कभी कभी इसी तरीके से मैं काम करती हूँ एक एक कमरा कर कर करती हूँ तो अच्छी तरीके से पूरा क्लीन हो जाता है और आलस भी नहीं आती है तो इसके बाद जो झाड़ू है वो मैंने लगाना स्टार्ट किया है तो कभी कभी जो घर के कामों को हम चेंज कर कर करते हैं तो फिर हमें बोरिंग नहीं लगता है तो इसीलिए मैं कभी कभी थोड़ा सा जो चेंज कर देती हूँ कामों में तो आजकल मैं इस तरीके से करने लगी हूँ तो बस ऐसे ही मैं काम को थोड़ा सा चेंज करती हूँ तो ये वाला जो पूरा कमरा अच्छी तरीके से सेट किया इसके बाद मैं बेडरूम में जाऊँगी तो झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर बैठ कर पोछा है वो भी मैं लगा लेती हूँ तो ये वाला कमरा अच्छी तरीके से पूरा सेट हो चुका है इसके बाद बेडरूम है इसको मैंने पूरा क्लीन किया साफ़ किया और ये जो साबुदाने हैं तले हुए तो इसको भी मैं डिब्बे के अंदर भर लेती हूँ तो कभी कभार खाने में अच्छा लगता है वैसे भी फास्ट में भी खाते मेरे हसब खाते और मेरे बेटे को ऐसे ही पसंद है तो ज़्यादा ही कुछ तल कर यहाँ पर रखे हुए है तो बस इसको मैं रख देती हूँ और थोड़ा सा जो बच्चा हुआ इसको मैं अलग डिब्बे के अंदर रख दूंगी बस ज़्यादा नहीं है दोपहर को हम खा लेंगे और मेरे सासू माँ आए थे तो ये राय है वो उसने साफ कर कर मुझे दी थी तो इसको सिर्फ मुझे डिब्बे के अंदर ट्रांसफर कर कर रखना है तो बहुत ही सारी राय है जो मेरे हस्बैंड गए थे खेत पर तो उसको किसी ने दी थी तो बस इसी को मैं रख रही हूँ तो पूरी अच्छी तरीके से साफ़ मेरे सासू माँ ने कर दी है और ये जो ठंडा की बोतल आती है फेंटा की इसी के अंदर मैंने पूरी जो राई भर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा राई थी और मेरे पास जो खाली डिब्बा नहीं था तो इसी के अंदर मैंने जो भर दी है इसके बाद बारी आती है दोपहर का खाना बनाने की यहाँ पर सब्जी है इसको मैंने कट कर लिया है तो बस यहाँ पर सब्जी का तड़का है वो भी दे दिया है एक साइड चावल को भी मैंने चढ़ा दिए है सब्जी भी मेरी हो चुकी है यहाँ पर आटा भी मैंने घुद कर रख दिया, अभी भी मेरे पास समय है तो जो मैंने कढ़ाई खरीदी थी स्टील की इसी के अंदर कुछ मीठा बनाते हैं तो दो तीन दिन से थोड़ा थोड़ा दूध बच जाता था, था तो मैं इसको फ्रिज के अंदर स्टोर कर रही थी तो इसी का हम जो फ्रूट स्लाट आज बनाने वाले हैं तो ये बड़ी वाली कढ़ाई मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ऐसी थी लेकिन मुझे छोटी खरीदनी थी तो इसीलिए ये वाली मैंने खरीदी है दूध को मैंने उबाल लिया है गर्म होने के बाद इसके अंदर जो स्वाद के अनुसार चीनी डाल दी है और थोड़ा सा जो दूध मैंने बाहर की तरफ रखा हुआ इसके अंदर जो कस्टर्ड पाउडर है वो मैं डालकर अच्छे से पूरा इसको मिक्स कर लूँगी तो यहाँ पर मैंने तीन चम्मच कस्टर्ड पाउडर है वो डाला हुआ है अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर लिया तो दूध भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है तब यहाँ पर जो कस्टर्ड पाउडर है वो हम डालेंगे तो अच्छी तरीके से पूरा उसको मिक्स करना है वरना फिर जो पूरा नीचे बैठ जाता है गट्ठे गट्ठे हो जाते हैं इसीलिए बिल्कुल भी ठंडा दूध भी नहीं लेना और गर्म भी नहीं लेना है रूम टेम्परेचर वाला हो उसी के अंदर कस्टर्ड पाउडर मिलाकर डालना है तो अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स करने के बाद इलायची का पाउडर है वो मैंने डाल दिया है तो बस इसको अब ठंडा होने के लिए रखेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा पूरी तरीके से तब मैं इसको फ्रिज के अंदर रख दूंगी फिर छः घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे तो ये जो कस्टर्ड ठंडा हो रहा है तब तक पूरा खाना है वो बनाती हूँ फिर पूरा जो किचन का काम है वो निपटाऊंगी तो यहाँ पर जो कस्टर्ड मैंने बना कर रखा है ये पूरा ठंडा भी हो चुका है शाम का वक्त है करीब पाँच या साढ़े पाँच बजे हुए और जो सारे फ्रूट है मेरे पास अवेलेबल वो मैंने निकाल लिए यहाँ पर मैंने अनार लिए है फिर द्राक्ष है चीकू है एप्पल है जितने फ्रूट्स मेरे पास थे वो मैंने लिए अगर आप चाहे तो और भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी कीवी जो आपको पसंद हो पाइन एपल वो सारे फ्रूट आप डाल सकते हैं तो मेरे पास जो थे इसको मैं छोटे छोटे ऐसे कट कर लेती हूँ सारे फ्रूट को थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मैं आइसक्रीम की तरह जमा तो यहाँ पर जो सारे फ्रूट है वो मैंने इसके अंदर डाल दिए अच्छी तरीके से पूरा इसको मैं मिक्स कर लूँगी इसके बाद मैं इसको जो आइसक्रीम की तरफ जमा दूँगी तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी लगता है तो कुल्फी जमाने का स्टैंड मेरे पास नहीं वरना मैं इसके अंदर भी जमाती तो आज मैं ऐसे ही इसके अंदर जमाऊंगी फिर इसके पीस कर दूंगी आइसक्रीम की तरह हम इसको खा सकते हैं और थोड़ा सा मेरा मन नहीं रह रहा था बस मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो कस्टर्ड है वो पी लेती हूँ बैठ कर और ये सारा जो कस्टर्ड है इसको मैं फ्रिज के अंदर रख दूंगी ताकि ठंडा ठंडा चील ही रहे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है हफ्ते तक आप इसको पी सकते हैं तो बस इसको मिक्स करने के बाद सीधा मैं फ्रिज के अंदर रखूंगी और थोड़ा सा बैठकर मैं भी जो कस्टर्ड है वो पी लेती उसके बाद जो मैंने वेफर सुखाई धूप में वो फिर मैं लेने के लिए जाऊँगी और स्वाद में इतना टेस्टी टेस्टी बना है आप चाहे इसको कस्टर्ड बोलो फ्रूट लाट बोलो बहुत बहुत ही यम्मी बना आप लोग तो ज़रूर ट्राई करना एक बार और छत पर से जो मैं वेफर से वो भी लेकर आ गई अच्छी खासी सूख गई तो है तो सीधा मैं इसको ये बकेट के अंदर रख दूँगी और फिर ऊपर की तरफ रख दूंगी तो ये पूरे साल है वो चल जाती बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है तो ये था आज का छोटा सा वीडियो अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ तब तक के लिए बाय